But the names and namesakes and all that are all hypothetical, dummy. And then on the basis of that case study, in the exam, a student will be given unseen portion, question scenario, trigger questions, and those questions they need to answer in the given time frame. Management case study they will be given four questions, one question, one scenario, one or two page write up based on that one or two or three requirements you need to read the scenario you need to read the requirement you need to write the answer within 45 minutes then the next question next scenario next uh, trigger then two three questions on that you need to cover the answer in next 45 minutes once the first 45 minutes gone the first one is submitted you cannot go back you can't rectify it one by one 45 45 minutes will be given for four areas

आपका मेल आईडी बोलिए व्हाट इज योर मेल आई डी सुस्मिता सुस्मिता लोनी ये जो मैंने नहीं एक सेकंड देखिए कि जब मैं बाहर गया था तो मैंने आते ही सबसे पहले आप लोगों को मेल किया मैं यहां दिखाता हूं सीमा एमसीएस नवंबर फेबररी वीडियो विथ प्री सीन अक्टूबर अक्टूबर नाइन्थ को मैंने आप लोगों को वीडियो मेल किया साथ में प्रीसीन मटेरियल भी दे दिया ठीक है फिर उसके बाद कल परसो निसार बोले सर हम लोग को कुछ पढ़ना है क्या मैंने सोचा यार क्यों ये तो मैंने मेल कर दिया है तो मैंने फिर से कल वापिस से आप लोगों को मेल किया एक तो क्लास का डिटेल एक फिर से आप लोगों को बोला कि भाई इसके अंदर जो मैंने पहले शेयर किया था वो प्रीसीन मटेरियल, वीडियोस वगैरह ये सारी चीजें हैं तो अब मैं कैसे बोलूं बोलिए यानी कि आप क्लास अटेंड कर रहे हो विदाउट लुकिंग एट दीस थिंग्स दिस इज वेरी बैड सो स्टार्टिंग में ही यू आर यू कैन से दैट मैच का पहला बॉल है एंड यू आर गेटिंग क्लीन बोल्ड नॉट डन नॉट डन मैम मेरा जो भी मेल आएगा जो इंस्टीट्यूट से मेल आता है प्रॉपरली रीड करना है अंडरस्टैंड करना है कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए बता दूंगा कोई इश्यू नहीं है okay. लेकिन मैंने ऑलरेडी और वैसे ये जो मेटेरियल रिलीज हुआ था आई डोंट रिमेम्बर दिस रिलीज ऑन एक बार आपका जो मेल आईडी था फिर से बोलिए सुस्मिता yes. यादव ना सुस्मिता यादव एक सेकेंड एक्स्ट्रा नोट्स वन सेकेंड So, सेप्टेंबर इस ट्वेंटी अरे नहीं पता है तो मेल तो कर रहे हैं यार सर। अरे और कैसे बोलेंगे यार एक एक जन को कान में जाकर कैसे बोले आप बोलो <laughs> मैं ये सोच रहा हूं कि प्री सीन मटेरियल जिस दिन आया था मैंने आप लोग को दिया कि नहीं <laughs> एक सेकंड Did डिड आई सेंड mail मेल वेन इट केम हाँ नाइन्थ को ही है ना था था। लेकिन क्या होता है कि जैसे प्री सीन मेटेरियल आता है ना तो आप गूगल सर्च करेंगे तो प्री सीन मेटेरियल दुनिया में रहता है फ्रीली अवेलेबल रहता है तो आई थिंक इट केम आई डोंट रिमेंबर आईट द एंड ऑफ सेप्टेम्बर या अक्टूबर फर्स्ट या सेकेंड को आया होगा तो वो ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल था लेकिन मैं जहां पर था ना मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन बहुत कम था नहीं तो मैं पूरा मेल बनाकर गया था कि मैं दे दूंगा लेकिन मेरे को मैंने अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि मैं आप लोग को मेल कर पाऊं तो जैसे ही मैं एथ को पहुंचा नाइन्थ को सुबह पहले उठ के मैंने सबको मेल किया वीडियो वगैरह निकाल के एट्थ को कि भाई आप एक बार इसको पढ़ लीजिए फिर कल निसार ने बोला कि सर कुछ मटेरियल पढ़ना है क्या मेरे को अच्छा नहीं लगा तो इन दैट केस आई गेव इट अगेन कि भाई कल की क्लास के पहले एक बार इसको गो थ्रू कर लेना ठीक है कोई टेंशन नहीं नो no प्रॉब्लम लेकिन आगे से ये डिस्टेक नहीं होनी है ठीक है पास होना है तो हा हा अभी बात ये है वट आईम वट आई वॉज कि बेस्ड ऑन दिस प्रीसी मेटेरियल इंस्टीट्यूट विल प्रिपेयर फाइव सेट्स ऑफ पेपर मे बी सिक्स हर क्वेश्चन पेपर अलग है वेन वी विल बी गिविंग एग्जाम तो एग्जाम में कौन विच पेपर वी विल बी गेटिंग वी डोंट नो विच पेपर वी गेट वी डोंट नो

For a easy paper, for an easy variant, the weight may be 80 percent, 90 percent. For a difficult variant, the weight will be 105 percent, 110 percent. That nobody knows which variant is difficult, which is easy, what weight is given. But the institute has a system of announcing weighted average marks. So 150 marks paper, and the weighted average marks the student need to score 80 to pass the exam. एट्टी इज द पास मार्क्स बट आप ये मत सोचिए कि यूर स्कोर इज एट्टी मे बी इजी वेरियंट यूर स्कोर वॉज एटी फाइव बट दे आर मल्टीप्लाइंग विदेट एंड यू एट्टी ओनली तो मिस्टर बोल रहे हैं कि सर ऐसा कोई टीचर हो सकता है कि आई एम गेटिंग सेवेंटी नाइन एंड ही सर आप ऐसा करोगे मिस्टर देबार बागची को इतना बार एग्जाम दे लिए ध्यान ही नहीं है फर्स्ट क्लास का Ki teacher has not given you 79. Suppose the tutor has given you 84, but for that the weightage is 95%. So 84 into 95% is coming 79, and that you are getting. Because any teacher in the world, any tutor will not give you 79. Sometimes the student are getting 78, 79 because of the weighted average score.

in around 7 to 8 minutes the write up then you will plan your answer and then around 35 minutes you will be writing your answers 35 minutes means in 1 minute we should have the speed of typing around 1.5 lines around 20 words so 35 minutes means the length of the answer will be around 50 lines if you are able to type 60 70 line very good who is questioning you but the institute is not looking at the quantity they are looking at the quality of your answer what is quality what is asked in the question most of the times the bad luck arises for a good student that what is asked in the question the student is not writing that something else only so when you are writing something else zero marks zero maybe that is very good but that is not asked in the question your 80% chance of passing will be there when you are writing the answer what is asked in the question first thing second thing second thing you need to always concentrate on timing and marking suppose they are saying for 45 minutes there are two tasks one is 60% one is 40% so your writing time 35 into 60% should be the first one 35 into 40% should be the second one sometimes the student do that out of 35 minutes

Because it's a theory based exam. The student is not going to score 140, 145. The highest marks out of 150 between 110 to 120. That's the highest marks. So, for that reason, you need to be performing properly in every portion. So, when you write the answers, see the percentage of the marking. Accordingly, allocate your writing time. When you write the answers, this type of write up is not allowed. This will be giving you let do. The write up is allowed what? What type of write up is allowed? We have the tendency from our Indian exams and anything, writing the things Roman 1, one line, Roman 2, another line, A, B, C, D, one line, two line, three line, or bullet points let do. Let do. If you want marks, you need to write the answers in paragraph format.

in every paragraph the english language should be very simple it's not an english literature exam you don't have to write very high fi english because if you try to write high fi english you will be doing mistakes and if you are doing grammar or spelling mistake there is no deduction of marks if you are doing grammar or spelling mistake no deduction of marks but if whatever you are writing i am not understanding how i will give you marks so you need to just focus that you should be able to write in such a manner that the other person can understand who is reading your answer that means the examiner and the length the font size of your answer should be 11 digit money 11 here to I have written tw 18 20 size because in the classroom we will be able to see better way but in exam your font size will be 11 you can't change the font size that font size you will be using in the entire write up with 11 font size your length of the answer should be around 50 lines 50 lines means both the requirement 40 and 60 percent in total 50 lines if it is 45 line chalega but if it is 40 line it is short if it is greater than 50 line good chalega for that you need to practice thinking typing thinking typing thinking that is a practice without practice we can't pass the exam मे बी यू नो बट इफ यू डोंट प्रैक्टिस यू कैनोट पास बिलीव मी चाहे आप दुनिया के सबसे चैंपियन है जब तक आप बार बार आंसर लिखोगे नहीं प्रैक्टिस नहीं करोगे आप पास नहीं हो सकते इस एग्जाम में बिकॉज लिखने से ही फीलिंग आएगा स्पीड बनेगा फीलिंग आएगा सोचना लिखना उसके ऊपर ध्यान देना क्वेश्चन दैट इट्स ऑल अ प्रैक्टिस वंस वी प्रैक्टिस वी कैन पास द एग्जाम इजिली और टाइम कम नहीं है टाइम इतना ही होता है दिस इज द टाइम अवेलेबल इन एवरी टर्म दिस इज नॉट दैट यू ऑल आर न्यू इट इज नॉर्मली स्टडी इन सो मेनी वीडियोज ऑन यूट्यूब यू रेफर थर्टी डेज इज द स्टडी फॉर द केस स्टडी थर्टी डेज स्टडी सो मेनी पर्सन है वीडियो थर्टी डे स्टडी प्लानिंग फॉर केस स्टडी फॉर स्ट्रेटेजिक केस स्टडी फॉर मैनेजमेंट के स्टडी आप किसी का भी सुन लो यार इफ यू बिलीव दैट दैट पर्सन इज गुड दैट पर्सन हैज सेंस नॉलेज सारा लोग तो भर्ती कर दिया वीडियो में, तो अभी तो पांच दिन ज्यादा ही है मेरे भाई जो भी है आई मीन टू से दैट दिस इज नॉट लेस टाइम दिस इज नॉट दैट यू नीड टू स्टडी फाइव सिक्स आवर्स इन अ डे इफ यू फॉलो यू विल बी एबल टू पास द एग्जाम ये सब बातें मैंने यहां पर लिख दी है मैं यहां रीड नहीं कर रहा हूं बिकॉज आई नीड टू गो इन टू द केस स्टडी स्ट्राइट अवे और अगर आपको लगता है और थोड़ा धीरे धीरे हॉले हॉले सुनना है आप मेरा यूट्यूब चैनल पे चले जाइए मे ट्वेंटी ट्वेंटी टू देख लीजिए एमसीएस नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन देख लीजिए फर्स्ट वीडियो देखिए मैं थोड़ा और धीरे धीरे बोल रहा हूँ थोड़ा और उस पर टाइम दे रहा हूँ वेरियंट वगैरह और कोई काम नहीं है इट्स नॉर्मल थिंग नाउ इट इज अवेलेबल एवरीवेयर समबडी विल से सुस्मिता ने बोला तो मेरे को यह भी चोट लगी कि जब सुष्मिता यू ज्वाइंड आई गेव टू एवरीबडी दैट यू फर्स्ट सी द वीडियो के स्टडी एग्जाम क्या है कैसे होता है प्री सीन मेटीरियल क्या है क्वेश्चन आते हैं कैसे आंसर लिखना है तो ये तो अब हर स्टूडेंट को जो आज की क्लास में है मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज अ प्री सीन मेटेरियल हाउ मेनी वेरिएंट्स आर देयर व्हाट इज द क्वेश्चन पेपर हाउ मेनी क्वेश्चन कम्स हाउ मेनी आंसर टू बी गिवन बिकॉज ये चीज तो मैंने मॉर्निंग की क्लास में भी जब एप टू पढ़ा रहा हूं फर्स्ट क्लास में बोला है पंद्रह बीस मिनट उसका वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है तो अभी इस क्लास में यहां पर आकर अगर ये स्थिति है तो ये बहुत गड़बड़ है यार मन को चोट दे रहे हैं आप बहुत जोर की <laughs> ठीक है सो दीज थिंग्स यू ऑल कैन रीड आई एम नॉट रीडिंग अगेन जस्ट दैट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर